नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको एलर्ट टैब का स्पेसिफिकेशन बताएंगे, और स्पेसिफिकेशन हम आपको दो चरण में बताएंगे कि पहला हम बताएंगे जो दिखाया गया है, और दूसरा हम बताएंगे जो नहीं दिखाया गया है, मतलब उसका इंटरनल जो कि जनरली नहीं दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो दिखाया गया उसको खोलने के लिए आप क्रोम पर जाइए, उसके बाद आपको टैब .aln.ac.in पे खोलिए। ये उसका एलन टैब का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको खोल लीजिए। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में एलन टैब 11 और एलन टैब 7। इसमें स्क्रीन साइज़ अंतर है और बैटरी अंतर होगा, और हार्डवेयर लगभग ऑलमोस्ट सेम है, और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी अंतर होगा। तो चलिए हम ईच डिवाइस का आपको दिखा लेते हैं कितना है। तो एलन टैब 7 से शुरू करते हैं। तो एलन टैब 7 में गए, पहला है 7 इंच IPS सुपर ब्राइट स्क्रीन फॉर इनक्रेडिबल क्लियरिटी। पहली बात 7 इंच का है, IPS है या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात, डिस्प्ले क्वालिटी इतना घटिया है, आपको पिक्सल साफ साफ नज़र आएगा इसका, इतना नज़दीक ले जाइएगा तो, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, दूर से ही हल्का सा पिक्सल, और अगर वीडियो प्ले खींचेगा तो एकदम घटिया क्वालिटी में वीडियो प्ले होता है। तो 7 इंच तो है लेकिन घटिया क्वालिटी का डिस्प्ले है। सेकेंड, 10 घंटा बैटरी लाइफ नहीं चलता है, ये लिखने के लिए पता नहीं क्यों लिख दिया 10 घंटा बैटरी लाइफ, पूरा नहीं चलता है 10 घंटा, करीबन 5-6 घंटा 8 घंटा चलता है, उससे भी कम, 5-6 घंटा से भी कम। और जब वो तो चलता है जब स्क्रीन ऑन रहता है, और आप स्क्रीन पता नहीं क्यों ऑफ भी करके रखिएगा तो चलना चाहिए ना 24 घंटा, 2-3 दिन, फिर भी वो उतना ही चलता है, थोड़ा सा मतलब इंक्रीज होता है लेकिन फिर भी उतना ही चलता है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में जो है ना कोई चीज़ हर समय बैटरी यूज कर रहा होता है, इसी वजह से जो है सो इसका बंद रखो या चालू रखो बैटरी उतना ही देर देगा, ये इसका घटिया है। उसके बाद एलन ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड बेस्ड, एंड्रॉयड तो है लेकिन लॉलीपॉप है जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरसोनिक स्पीड क्वाड कोर CPU, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में क्वाड कोर लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात, ये क्वाड कोर है लेकिन 1.3 GHz क्वाड कोर है, मैंने खुद देखा है इसका स्पेसिफिकेशन अनलॉक करने के बाद, और वो भी उस पर भी मीडियाटेक का बहुत ही पुराना, बहुत ही ठीक से मॉडल नंबर एग्जैक्टली हमको याद नहीं है किस मीडियाटेक का, लेकिन हमको इतना याद है कि मतलब मीडियाटेक का बहुत ही पुराना प्रोसेसर था वो, और वही क्वाड कोर 1.3 GHz बेस था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 GB RAM, अब 1 GB RAM आपको ही पता है, सिर्फ अगर कोर्स मतलब चल रहा है जब तक, तब तक इनफ है। जैसे ही आप उसको अनलॉक करवाइएगा, ओरिजिनल OS डालिएगा, तो 1 GB RAM सफिशियंट नहीं है लॉलीपॉप के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में क्या कहना, अल्ट्रा क्लियर HD कैम, बाप रे बाप, ये आप किसी भी एलन टैब वाले से पूछ लीजिएगा, किसी भी एलन टैब वाले से, भाई कैमरा कैसा है, बोलेगा भाई क्या बताएं हम तो पछता रहे हैं, इतना घटिया कैमरा इसका कुछ नहीं। पहली बात तो कैमरा अच्छा हो है कि नहीं ये हम चेक कैसे करेंगे, पहली बात तो अगर कैमरा अनलॉक करने के बाद आप ओपन भी कीजिएगा ना, तो इसके कैमरा का जो पीछे का जो ग्लास होना चाहिए उस पर ग्लास का जगह प्लास्टिक है, ठीक है, वो इतना घिसा हुआ होता है, इतना घिसा हुआ जब आप लीजिएगा उसी समय घिसा हुआ होता है, और उसको तुरंत आप अपने आप बेड पे रखिएगा घिस जाएगा, इतना मतलब इतना जो है सो उसका मतलब सेंसिटिव होता है, इसलिए कैमरा उम्मीद मत कीजिए आप कैमरा से फोटो नहीं खींच सकते हैं। चले आगे चलते हैं। 3G सपोर्ट, हाँ ये सही है कि 3G सपोर्ट करता है, बिल्कुल भाई 3G सपोर्ट करता है। अब भाई 4G के ज़माने में 3G सपोर्ट करता है, बोलिए अभी यार ये 4G पे जाते हैं और यार ये 3G पे लटका हुआ है, ना ही आप इसमें जियो का सिम लगा सकते हैं, ना ही एयरटेल 4G चला सकते हैं, ना ही मतलब कोई भी 4G नहीं चला सकते हैं। अगर आपको चलाना है तो BSNL या आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब का जो है सो 3G चलेगा। चलिए वाईफाई पे चलते हैं। वाईफाई का स्पीड इतना मतलब टेस्ट नहीं किए कभी तो बता नहीं सकते एग्जैक्टली, लेकिन वाईफाई है बोला है, लेकिन है भी वाईफाई तो इसको इग्नोर करते हैं, वाईफाई है लेकिन इतना बता सकते हैं। चलिए मोबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, कन्विंस एट इट्स बेस्ट, लाइट वेट, अल्ट्रा स्लिम,
नहीं भाई अल्ट्रा स्लिम नहीं है, आपका मोबाइल जितना मोटा है उतना ही मोटा है, अल्ट्रा स्लिम नहीं है, एक्सट्रीमली कॉम्प देखने में पिक्चर में लगता है एल एंड एफ का कि इतना पतला होगा लेकिन एग्जैक्टली में नहीं है, ठीक है, तो भूल जाइए। एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट कैन बी ईजली लग अराउंड रिड्यूस बुक सेल, हाँ बिल्कुल रिड्यूस है, आप जो है सो बहुत सारा बुक नहीं जितना पीडीएफ जो है सो उसमें डाल सकते हैं अपना एक्सटर्नल पीडीएफ भी, तो बेसिकली उसमें पीडीएफ है, लेक्चर्स वगैरह नहीं है। डिजिटल नोट है तो आप किसी भी पीडीएफ में नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच है। अब आपको सबको पता है कि एंड्रॉयड का टेक्स्ट टू स्पीच कितना घटिया होता है, तो अब हर दिन नहीं जो मतलब टेक्स्ट टू स्पीच पे लगा दिए वो आपको बोलते रहेगा अजीब से वॉइस में, रोबोटिक वॉइस में, आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखने के लिए देने के लिए तो ऐसे दिया जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच एकदम आदमी बोलेगा सेम टू सेम। खैर चलिए, शेड्यूल योर स्टडी, उसके बाद रेगुलर अपलेट अपडेट, माथा खराब कर दिया मेरा तो, आज तक कभी अपडेट नहीं दिया, लॉलीपॉप का लॉलीपॉप पे लटका हुआ है, अपडेट कथी देगा ये। उसके बाद टेस्ट, हाँ टेस्ट दे सकते हैं, रिजल्ट भी आएगा, सेल्फ शॉट एक्सीलेंट इवेल्यूशन, इन्हांस्ड इफिशियंसी, इन्फिनिट रिविजन कर सकते हैं, स्ट्रेस ले, अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेस रिलैक्स ना, कसम से कहते हैं तो एल एंड टैप खरीदोगे ना उसके बाद तुमको पता चलेगा कि तुम्हें स्ट्रेस रिलैक्स नहीं, तुम्हारा स्ट्रेस ये इंक्रीज कर देगा, और कसम से कहते हैं इसका रीज़न अगर जानना है क्यों इंक्रीज कर देगा, सिर्फ इसका स्पेसिफिकेशन, इतना घटिया स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी एल एंड टैप जो है सो हैंग नहीं करता है, मतलब उसका कोर्स वाला हैंग नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको अनलॉक करवाइएगा ना, बाप बाप, कुछ नहीं खेल सकते हैं ना, गेम खेल सकते, कुछ नहीं चला सकते, 1 GB रैम में क्या चलता है भाई। हाँ तो कहने का मतलब है कि आपका कोर्स चल जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रेस ये कैसे बढ़ाएगा अगर ये जानना है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारा वीडियो है, जाके चेक कीजिए एल एंड टैप के मतलब रिगार्डिंग, हमको पता चल जाएगा कि वो आपका प्रेशर कैसे बढ़ाएगा। उसके अलावा प्रेशर हैंडलिंग, अरे प्रेशर तो ये बढ़ाएगा, आप खरीद के पछताएंगे। खैर इंक्रीज ग्राफ ऑफ रिजल्ट है, उसके बाद नो मिसयूज पॉसिबल, भाई नो मिसयूज पॉसिबल बोलता है कि यहाँ पे एसएस टू वेबसाइट बैंड है, बिल्कुल एसएस टू वेबसाइट बैंड है, आप नहीं कर सकते हैं, अभी तक तो हम कोशिश किए, वीडियो और इमेज इज डिनाइड ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन, गलत, वेबसाइट तो आप एसएस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्राउजर नहीं दिए हुआ है, लेकिन आप वीडियोज और इमेज जो है सो एसेस कर सकते हैं, ऊपर में ऑप्शन नहीं है किसी चीज़ का, वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि आप वीडियोज़ या फिर इमेज उसमें कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए जानना है तो मेरे वीडियोस को देखिए कि मैंने कैसे जो है उसमें वीडियो प्ले किया, इमेज किया, वो भी जब कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद तो अनलॉक करके दे देते हैं, उसके बाद तब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने उसमें वीडियो प्ले किया, इमेज प्ले किया, और यकीन कीजिए बहुत ही घटिया। आप सोचिएगा यार चलो सब चीज़ बेकार है एलन टैप का, लेकिन चलो वीडियो तो प्ले हो रहा है, हम इस पर देखेंगे HD वीडियो, सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मतलब कोर्स के बाद आप आपकी मर्जी, जब आप देखना चाहें एकदम HD क्वालिटी में दिखाएगा तो भाई गलत, इतना उसका जो है ना रिजोल्यूशन कम है कि क्या बताएं, इतना एल एंड टैप 11 इतना बड़ा डिस्प्ले है लेकिन उसका रिजोल्यूशन HD है। मेरे लैपटॉप का मतलब जो मतलब लैपटॉप और टैब को सामने सामने रख देंगे तो टैब का डॉट 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 सामने सामने सीधे सीधे नज़र आएगा, मेरे लैपटॉप का कम दिखता है, इतना घटिया रिजोल्यूशन है उसका। और DPP भी जो थी पॉइंट पर इंच होता है उसका, वो भी इसका बहुत ही कम है, मतलब अथी का मतलब इस टैब का, तो इसका भी कोई कहना नहीं। उसके बाद है मोर कम्पटिटिव एग्जामिनेशन, हाँ बिल्कुल एग्जामिनेशन आपको दे सकते हैं, बाहर के आवाज़ के लिए सॉरी भाई लोग, ये क्या बताएं, नुकसान है अपने मतलब सड़क के बगल में घर होने का। उसके बाद चलिए एडवांस करियर एंड बिजनेस यूजेस, क्या बताएं, छोड़ो इसके इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब एल एंड टैब 11 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं, 11 पे 11 पे 11 पे देखिए भाई जी, इसमें भी क्या कहते हैं 11 10.1 इंच का जो है सो मतलब क्या कहते हैं डिस्प्ले है, लेकिन ये IPS सुपर ब्राइट स्क्रीन फॉर इनक्रेडिबल क्लियरिटी जो है ना, इसको हटा दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमेशा की तरह इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत घटिया है, 10 घंटा बैटरी लाइफ का वही जो पहले बताएं, उसका ऑपरेशन सब कुछ वही है, सिर्फ इसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है और बैटरी थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि ये लंबा चले, समझ गए, और इसके अलावा सब चीज़ ये सेम टू सेम छः। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मतलब, और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको इसके स्पेसिफिकेशन या कुछ,
तो मैंने एक वीडियो बनाए रखा है कि एलन टैब इज द वर्स्ट थिंग यू विल एवर बाय, और ऐसे करके कुछ दूसरे दूसरे वीडियोस में पूरा स्पेसिफिकेशन उसका इंटरनल हम जो है सो उसका टैब को खोल के दिखाएं आपको, कैसे हम प्रूफ दिखाएं कि वो मीडियाटेक का प्रोसेसर है उसमें, तो जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। और एक बात यार, एलन टैब मेरे घर में पड़ा रहता है, सिंपल सा बात है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो इसका कोई यूजेस नहीं है, नॉर्मल यूजेस तो कर नहीं सकते हैं। तो और एक और चीज़ है कि उसमें मेरा डिस्प्ले थोड़ा टच फूट गया, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले ठीक है। और एलन टैब वालों को मैंने बोला तो वो लोग बोले कि मतलब 5000 रुपया लगेगा। तो बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं इस वीडियो के एंड में कि अगर आपको एलन टैब 11 चाहिए तो खरीदिए मत, मेरे पास है, आप उठा के ले जाइए फ्री में, हम आपको फ्री में दे देंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, बस आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसमें 5000 रुपया, उसको जो है रिपेयर करवाने में उसका डिस्प्ले, ठीक है। और 5000 रुपया उसका हो गया, कोर्स खरीदिएगा उसका हो जाएगा, तो कोर्स का तो अलग लगता ही है। आप 12000 का सामान आपको 5000 मिल जाएगा, सेकंड हैंड मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही इतने कम दाम में। तो आप मेरा ले सकते हैं लैपटॉप, आप मेरे घर पे आइए, हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद आप उसे आपको एड्रेस बता देंगे, अगर आपको कभी इंटरेस्ट होगा तो क्या कहते हैं लैपटॉप को ख़रीदने में आप फ्री में ले जाइए, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। एलन टैब फुली फंक्शनल वर्किंग है, अनलॉक्ड है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक विंडोज पीसी चाहिए, और प्रोसीजर वो लोग बताएंगे जो एलन में रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।